यदि वो थोड़े से सशक्त इस बारे में हो जाए कि चाइल्ड लेबर दिख जाता है शक्ल से, ये बच्चा बाहर चल जा रहा है, ये बच्चे चार से पांच साल ग्रुप होता है, अपन देख के बता सकते हैं चार पांच के साथ एक आदमी है इनका माँ बाप तो नहीं लग रहा है, इनके गाँव वाला ऐसा आदमी जो बच्चों को निकल जा रहा है, कभी कोई ऐसी स्थिति आपको देखने को मिल जाए, कभी कोई ऐसा आपको देखने को मिल जाए कि आपकी जैसे ये जो आपको बस दिख रही है इस बस के स्लीपर के नीचे जो स्पेस होता है जहाँ जूते और मोबाइल रखते हैं वहां बच्चे को क्यों छुपा दिया था वो आप देखने देखो आप कहने डेस्क के साथ में जब एक बच्चे का पैर दिखा तो मैंने कहा पैर दिख रहा है इसमें बच्चे होने चाहिए नीचे झुके तो बच्चे 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 दाल रखे तो मुझे घटना यूपी बिहार की नहीं तो सोचो वो ड्राइवर किस लेवल की चीज करने जा रहा था अगर कोई बच्चा मर जाता कर जाता तो ये ट्रैवल एसोसिएशन जिसका भी होगा ये आपकी कंपनी या जो होगा बस का मालिक उसकी स्थिति गंभीर हो जाती है तो कई बार छोटी छोटी बातें हैं इसको लेकर आप लोग संवेदनशील है और आप यदि अपने ड्राइवर को कंडक्टर को ये बात कहते हैं कि भाई एक बार हो गया सेक्शन 75 में एक साल की सजा नहीं मिला का मेरे जुर्माना लगेगा जुर्म तेरे चक्कर में हमारे जैसी हो जानी तो तेरे 50-100-200 रुपए के चक्कर में यदि कोई ऐसी घटना मिलती है तो आपको भी हम तुरंत थाने में तेरी रिपोर्ट सबसे पहले करवाऊंगे उसके मन में डर उत्पन्न हो गया मेरे सेठ जी मेरे से नाराज है ये बात के मालूम चल जाए कि दिक्कत है और प्लस आपके गाड़ी में लग जाए छोटा सा एक पोस्टर जैसा कि यदि कोई बाल श्रम को ले जाता हुआ लगे दिखे तो आप सीधा मुझे फोन करें जैसे मैंने बस में मैंने खुद ने काफी समय पहले ट्रैवल किया था तो कौन सी बस थी मुझे तो पता नहीं उसमें उसके मालिक के अंदर एक लिख रखा था कि अगर आप हमारे बस के ड्राइवर कंडक्टर उनके व्यवहार से ना खुश है अगर रस्ते में सवारी को बैठा जाता है तो आप इस नंबर पर सीधा मुझे कॉल कर सकते हैं उस मालिक ने अपना नंबर दिया हुआ तो कई सारे मालिक ऐसा लिखते हैं तो कंडक्टर ड्राइवर के मन में डर होता है मेरे मालिकों को फोन नहीं करते कोई शिकायत नहीं करते तो वही वाली बात थी आपके हमारे बच्चों के लिए इन्वॉल्व करती है तो हम बना के डिजाइन करके जो भी होगा हम आपको दे देंगे वो भी आपको छपाने की और परेशान होने की जरूरत नहीं है लेकिन थोड़ा सा यदि आपका इन्वॉल्वमेंट यहाँ मिलता है तो निश्चित रूप से बाल श्रम राजस्थान का सपना जो हम देख रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं उसकी शुरुआत आप उदयपुर से कर सकते हैं और एक मॉडल एक उदयपुर से दिया जा सकता है देखो सर यहाँ के ट्रैवल एसोसिएशन ने हमारे आप सब साथियों ने मिलकर आपने एक नवाचार किया और उसका परिणाम ये निकल रहा है तो चौहान साहब आपका भी स्वागत है एक अनौपचारिक बैठक थी मेरी तरफ आपसे बातचीत हो रही थी जो साथी मेरे से जुड़े हुए मैंने ऐसे ही कहा कि आप बातचीत करना चाह रहे थे सामने दिनेश जी ने और जैसे बातचीत हुई आपने आप डीटीओ मैडम से बातचीत हुई आप सीएमसी से मेरी बातचीत हुई जैसे चर्चा हुई वैसे वैसे साथी जुड़ते हुए चले गए तो एक अनौपचारिक बैठक ही थी लेकिन फिर भी मैं अंत में मैं कोई ऐसा कोई भाषण या कोई ऐसी बात नहीं करना चाह रहा सिर्फ एक जो हमारा जो एक मुद्दा है वो आपसे साझा करना चाह रहा था अभी भी आपके मन में कोई बात हो या कोई भी कोई आप हमसे साझा करना साझा कर सकते हैं बहुत जल्द हम बात करेंगे अपने आरटीओ साहब से भी आपसे भी और चाहेंगे ग्रंट कोऑर्डिनेशन के आपने कोई मीटिंग कॉल करें और ताकि उसमें और ज़्यादा साथी जुड़ पाए और उसी दिन उस पोस्टर की उसकी लॉन्चिंग भी कर देते हैं जो इनकी गाड़ियों में पर चस्पा करेंगे और कोई साथी बात करना चाहे तो करेगा मेरी तरफ से आप लोगों ने बहुत सफाई को लेकर एक वातावरण बनाए अपन लोग बैठे हैं तो आपने लेकिन जो है वो भी इसी का हिस्सा है इसी का एक दूसरा रूप है जो 10 साल से छोटी आयु के बच्चे उनके लिए मैंने काम किया है इसलिए गृह माता 10 साल से बड़े बच्चे उनके लिए मैंने काम किया
ऐसी घटना हुई जो है रेप के द्वारा हत्या होता है।